किलर्स डॉक्यूमेंट्री के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन आज के इस सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्री के एपिसोड में एक ऐसे केस की तहकीकाती रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें मुजरिमों ने मजलूम को दुनिया के लिए इबरा का निशान बनाने की नाकाम कोशिश की थी और अपने इस मकरू इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने और अपने अंदर जलती हवा की आग को बुझाने के वास्ते ये दरिंदा सिफत लोग किस हद तक गिर चुके थे। नाजरीन हमारी आज की तहकीकाती रिपोर्ट फिल्मी दुनिया के एक ऐसे उभरते सितारे के बारे में लगभग सभी का दिल लुभाने वाली इस फिल्मी दुनिया के तल्ख हकाइक जब लोगों के सामने एक के बाद एक करके नमूदार होने शुरू होते हैं तो बहुत से लोग इस वक्त तक एक ऐसे दलदल में फंस चुके होते हैं कि न वो लोग इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह सकते हैं न कि डंग का सहारा जो हकीकी मानों में इनका सहारा बने ढूंढने में कामयाब होते हैं। ये जाहिरी तौर पर मशहूर और पुरासाइश जिंदगी गुजारने वाले लोग हकीकत में एक ऐसी आजाद भरी जिंदगी से लड़ रहे होते हैं कि जिसकी बदबू महंगे से महंगा परफ्यूम और उम्दा से उम्दा लिबास और बड़ी सी बड़ी गाड़ी और आसमानों से बातें करती इमारतें भी छुपा नहीं पाती और आखिर का दलदल में खिलने वाले इस कमल की तरह मुरझा कर दलदल के सीने में ही दफन हो जाते हैं। हमारी आज की तहकीकाती रिपोर्ट एक ऐसे ही केस के बारे में है। आज की तहकीकाती रिपोर्ट पेशावर से ताल्लुक रखने वाली स्टेज एक्ट्रेस अनुषे के कत्ल के बारे में है। अनम उर्फ अनुशेद सन 2017 में इस्लामाबाद में अपने ही फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई थी। अनम उर्फ अनुशेद एक 3 साल बच्चे की मां थी और अपने तीसरे शोहर के साथ रह रही थी। अनम की अपनी साबिका 2 लाइफ पार्टनर्स के साथ जाती इख्तलाफात की वजह से वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी मजीद जारी नहीं रख सकी थी और तहकीकात में सामने आए हकाई के मुताबिक अपने तीसरे शोहर से भी कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। अनम के कत्ल के फौरन बाद इसी बिल्डिंग के चौकीदार को जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी तो इब्तदाई तौर पर सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल का इल्जाम अपने सर पर लिया मगर अगले ही दिन ये गार्ड अपने बयान से मुनहरिफ हो चुका था। इब्तदाई बयान में इस गार्ड ने बताया था कि इसने अनुशे को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया है क्योंकि इनका रवैया इनके साथ ठीक नहीं था जो कि किसी लिहाज से भी मुस्तनद जाहिर नहीं हो रहा था। इसीलिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहकीकात जारी रखी तो मालूम हुआ कि इस रात इस गार्ड के अलावा भी 3 और लोग थे जो इस मौके वारदात पर मौजूद थे। इनके मोबाइल डेटा की छानबीन की मदद से पुलिस इन कातिलों तक पहुंचने में कामयाब हुई और इन्हें हिरासत में लेकर इनके जुर्म की सजा दिलाने की कोशिशों में मसरूफ हुए। सिक्योरिटी गार्ड ने बाद में जो बयान दिया इसके मुताबिक इन्हें ये जुर्म अपने सर पर लेने की और भारी रकम की पेशकश की गई थी जिसकी वजह से इन्होंने इस जुर्म को अपने सर पर लिया था। अनम उर्फ अनुशेख के कत्ल के बाद जब इनकी लाश को तदफीन के वास्ते इनके रिश्तेदारों वाले करने की कोशिश की गई तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया जिसके बाद एक लाही इदारे ने इनकी आखिरी रसूमात की और इन्हें तदफीन कर दिया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।